हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चटोरी टीनू। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 एंड हम थोड़ा लेट उठते हैं, तो फिर ब्रेकफास्ट मेरा अभी बनेगा। तो जब मैं ब्रेकफास्ट बना ही रही थी अपने बेटी के अकॉर्डिंग, मतलब कि हम भी खा सके वो भी खा सके, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ अपनी ये रेसिपी। तो ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है, तो जिसे हम उत्पम, सूजी का चीला कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रवा लिया हुआ है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तो ये मैंने दही जमाई थी कल रात में, तो ये ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने दही ऐड किया एंड मैं इसे अच्छे से मिक्स दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे रेस्ट पे रख देती हूँ 10 to 15 मिनट, ताकि सूजी को जितना भी फूलना है फूल जाए। एंड देन फिर आप ऐड कर सकते हो उसमें हॉट वाटर, इसे बैलेंस में करने के लिए। अदरवाइज आप मोर दही यूज़ कर सकते हो एंड फिर अपना वो टेक्सचर ला सकते हो जो हमें एक उत्पम या चीले के लिए चाहिए। तो इसे मैं ढक के छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स में लिए हैं कैरेट, कैप्सिकम, अनियन एंड स्वीट कॉर्न। तो मैंने इसे बहुत ही फाइन चॉप इसलिए किया क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, वो वेजिटेबल्स खाने में तो बिल्कुल भी मायर नहीं है, ना ही अगर उसे पता चल गया कि मैंने ये डाला है तो बिल्कुल भी नहीं खाना वाले। तो इसलिए मैंने इसे बहुत ही फाइन चॉप कर दिया है एंड स्वीट कॉर्न तो उसका फेवरेट है। मैं टमाटो यूज़ नहीं कर रही हूँ, पहले सोचा था करूँ बट अब मेरा मन नहीं है, बिकॉज लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स ऑलरेडी हो गए तो हमें नहीं करना। तो अभी मैं 15 मिनट बाद इसको ऐड करूँगी, देन फिर हम उत्पम, चीला, वॉट एवर हम वो बनाएंगे, जो भी आप उसे नाम देना चाहते हो, मैं तो उत्पम ही दूँगी। फिर यहाँ पर सूजी मेरी फूल चुकी है और अब मैं इसमें, क्योंकि ये फूल के बहुत ही ड्राई सी हो रही है, तो इसमें मैं हॉट वाटर मिक्स करूँगी, क्योंकि दही तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर आप चाहो तो आप दही ही यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ हॉट वाटर भी चलेगा, बिकॉज़ मेरी दही थोड़ी सी खट्टी है तो मैं ज़्यादा दही ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इसमें मैं हॉट वाटर ऐड कर रही हूँ और मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसकी थिकनेस देखेंगे। अभी भी ये थिक है तो इसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड करेंगे और अब इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो यहाँ पे ये बैटर बन चुका है प्रॉपर अच्छे से, ऐसा वाला ही चाहिए, बिल्कुल पोरिंग वाला नहीं चाहिए कि डालो तो बिल्कुल ही फैल जाए, ऐसा नहीं चाहिए हमें। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्ट एंड थोड़ी सी हींग ऐड करी है। अब ये जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं ये सब भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी है, अब ये इसको मिक्स करूँगी और अब यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स दे दिया है। अब इसमें ऐड करने के लिए मैं तड़का रेडी करूँगी, तो जो मैं इसी में ऐड करूँगी फिर हम बनाएंगे इसका उत्पम। गाइस, यहाँ पे मैंने ये तड़के के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें करी पत्ता एंड राई ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने करी पत्ता एंड राई ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा होने देती हूँ एंड देन इसको मैं ऐड करूँगी अपने बैटर में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद। तो अब मैं तड़के को इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड देन इसे मिक्स करूँगी अच्छे से। गाइस, वन थिंग मोर, आप इस बैटर से ना अपने आपे पैन में आपे भी बना सकते हो एंड ये बहुत टेस्टी लगेगा। एंड अभी मैं उत्पम बनाने जा रही हूँ, तो चलो फिर पैन हॉट करते हैं। पैन को हॉट करके उस पर देसी घी लगा के ये उत्पम डाल दिया है। अब ये कुक होगा 5 मिनट नीचे की साइड से, फिर पलटने के बाद में 5 मिनट, तो इसे हम कुक होने देते हैं। तो जो ये ड्राई ड्राई पोर्शन देखते हैं ना आपको ठेके ठेके पे, इसका मतलब ये नीचे से प्रॉपर अच्छे से कुक हो रहा है। तो इसे हम अच्छे से कुक करते हैं पहले। अभी तो सिर्फ 2 मिनट हुए, तो ये देख रहे हो अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं एक बार इसे पलटती हूँ। चलो, ये नीचे की साइड से अच्छे से क्रंच आ गया है इसमें, तो अब नीचे की साइड, ऊपर की साइड को नीचे गया है। अब उसे भी अच्छे से कुक होके तो निकालते हैं, फिर दूसरा अपना। तो यहाँ पे ये बन बन के रेडी हो गया है, मैंने यहाँ पे दूसरा डाल दिया है, तो अब इसे भी कुक करते हैं। अब इसमें इतनी वेजिटेबल्स छिपी हुई हैं ना, अब ये किड्स को पता भी नहीं चलेगा, वो इजीली इंजॉय भी करेंगे एंड इट्स वेरी हेल्दी फॉर किड्स। एंड आप भी खाइए किसी भी चटनी के साथ में, पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी और कोई भी सॉस या कुछ भी। तो अभी तो मैं एक और बनाती हूँ, फिर अपनी मैडम को देखती हूँ कि उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो गाइज़, ये रेडी हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस विथ
सिंपल देसी टमाटर की चटनी विथ टमाटर और लहसुन एंड हरी मिर्ची, थोड़ा सा सॉल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल। तो ये मुझे चटनी बहुत पसंद है देसी वाली, तो मैं इसके साथ में ये खाऊंगी। तो आप भी मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने किड्स के लिए भी एंड आपके लिए भी। आई नो कि ये तो सबके घर में बनती ही है, बट स्टिल एक बार ट्राई करना एंड इसको भी बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चटोरी टीनू को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।